दोस्तों भारतीय हॉकी टीम एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई। टीम ने तीसरे मुकाबले में मलेशिया को 8-1 से हराकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों क्या है पूरे मैच का हाईलाइट, कैसे भारतीय टीम ने मलेशिया को 8-1 से धूल चटाई, बताएंगे इस वीडियो में सारी जानकारी, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम के प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से दबा के लाइक करें और ऐसे ही हॉकी की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय टीम इस चैंपियन ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर रही है, जहां पहले मुकाबले में चीन को 3-0 से हराया, फिर जापान को दूसरे मुकाबले में 5-1 से रौंदा और उसके बाद अपने तीसरे मुकाबले में मलेशिया को 8-1 से धूल चटाकर जीत दर्ज की और इस तरह भारतीय टीम की इस टूर्नामेंट में तीसरी लगातार जीत है और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर चुकी है। तो दोस्तों भारत की तरफ से इस मुकाबले में पाल ने हैट्रिक गोल किए, इसके अलावा अरजीत सिंह ने 2 गोल दागे, हरमनप्रीत सिंह, उत्तम सिंह और जुगराज ने 1-1 गोल किया। तो इस तरह भारतीय टीम ने यह मुकाबला 8-1 से आसानी से जीत लिया। अब भारतीय टीम 5 टेबल के पहले नंबर पर, उसके 3 मैचों में 3 जीत के साथ ही टोटल 9 पॉइंट है। उसके दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम बनी हुई है। अब आपको बताते हैं भारत के साथ इस एशियन चैंपियन ट्रॉफी में 6 टीमें भाग ले रही हैं, चीन, जापान, साउथ कोरिया, पाकिस्तान और मलेशिया की टीमें हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें भारतीय हॉकी टीम चैंपियन ट्रॉफी की सबसे सफल टीम है और डिफेंडिंग चैंपियन भी है। भारतीय टीम ने 4 बार खिताब को जीता और 5वें खिताब की दहलीज पर बिल्कुल खड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय हॉकी टीम इस बार का खिताब जीतकर अपना 5वां खिताब जीतने में कामयाब हो पाएगी? आप लोग इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दोस्तों वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।